हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में हम आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम वर्ल्ड कप 2019 से रिलेटेड जो क्वेश्चन निकल कर आए हैं वो डिस्कस करेंगे। टॉप 35 जो क्वेश्चन है उस वीडियो में डिस्कस करने वाले, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस है। तो ये आपके वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों शेयर जरूर करें ताकि मोटिवेशन मिले, अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करें। यदि आप एमपी पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीटीईटी, कोई से भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि यहां पर आपको सब इंस्पेक्टर, कॉन्स्टेबल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीटीईटी, इन सभी की जो बहुत सारी आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल जाएगी। इसके साथ में बहुत सारा जो मटेरियल है वो भी यहाँ पर आपको जो कि मिल जाएगा, जिससे आप जो अपनी तैयारी है बहुत ही अच्छी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं सिलेक्शन के जो चांसेस है वो भी आप बढ़ा सकते हैं। तो इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं उसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ में यदि आप हमारा कूपन कोड ROYJGOV40 को यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको 40% का पूरा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ से बिल्कुल कूपन कोड पर जो कि यूज करके डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर अपने दोस्तों साथ जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस बेल आइकन को दबाए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। यदि आप इस वीडियो के PDF फाइल डाउनलोड करने चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम देना करते स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जी, फर्स्ट क्वेश्चन सो रहा है आपके सामने, ICC फुल फॉर्म क्या है। देखिए, ICC का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, ICC का फुल फॉर्म क्या है। आई होप इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे ये रहे आपको ऑप्शन, जल्दी से अपने माइंड में क्लिक कर लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी को 3 सेकंड यहाँ पे मिलेंगे, ओके, उसके बाद में मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगा। वीडियो के अंदर मैं आप अपना जो स्कोर होगा पूरा वो आपका हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जी हाँ, ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आपको जो कि सभी को पता ही है इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की स्थापना कब हुई थी। अब बात की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की, ICC, इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी। ये रहे आपको ऑप्शन, क्लिक कर लीजिए अपने माइंड में इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की, ओके, परिषद की। तो यहाँ पर आप ICC की जो स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में हुई थी, इजीली आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय कहाँ पर है। ये भी पूछे जाने के पूरे चांसेस है। तो ये रहे आपको ऑप्शन, आप क्लिक कर सकते हैं अपने माइंड में इसका राइट आंसर क्या होगा। जी, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दुबई, संयुक्त जो कि अरब अमीरात में। इसका जो कि मुख्यालय, हेडक्वार्टर जो है ICC का वो है दुबई, ये संयुक्त अमीरात में, अरब अमीरात में। तो यहाँ पर आप इजीली इसको याद रख सकते हैं क्योंकि दुबई आप कैसे ना कैसे रिलेट कर लीजिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या फिर ICC से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ICC का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। बात की जा रही है अध्यक्ष की, तो यहाँ पर देखिए ये रहे आपको ऑप्शन, क्लिक कर सकते हैं अपने माइंड में आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, वर्तमान में जो ICC का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है आपके शशांक मनोहर। जी हाँ, शशांक मनोहर जी जो है वर्तमान में ICC का वर्तमान अध्यक्ष है। तो यहाँ पर आप इजीली इनको याद रख सकते हैं, आई होप आप सभी को इसके इनके बारे में भी पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ICC का वर्तमान CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है ICC का, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो ये रहे आपको ऑप्शन, ओके, शशांक मनोहर, मनु सहाने, डेव रिचर्डसन, अनुराग ठाकुर। तो आप क्लिक करके जल्दी से बता सकते हैं आपका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मनु सहाने। जी हाँ, ICC का जो वर्तमान CEO है वो है मनु सहाने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, पहला ICC वर्ल्ड कप कब हुआ और किस टीम ने जीता। बात की जा रही है फर्स्ट ICC वर्ल्ड कप की, तो ये कब हुआ था और किस टीम ने जीता था। तो ये रहे आपको ऑप्शन, जी आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 1975 में फर्स्ट जो कि ICC वर्ल्ड कप हुआ था और ये जो जीता था वेस्ट इंडीज ने जीता था। तो यहाँ पर आप इजीली याद रख सकते हैं कि जो पहला ICC वर्ल्ड कप कब हुआ था, तो ये हुआ था 1975 में और वेस्ट इंडीज इसमें जीती थी। तो यहाँ पर आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसके बारे में देखिए, ये जो ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो जीती थी, वेस्ट इंडीज जो जीती थी वो ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीती थी 1975 में। ये फैक्ट भी आप याद रख लीजिए, तो ये भी पूछे जाने के चांसेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस टीम ने ICC वर्ल्ड कप का खिताब सबसे अधिक बार जीता। देखिए, बात की जा रही है इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है, इसने सब वर्ल्ड कप जो होता है इसके अंतर्गत, उसने सबसे ज़्यादा जो खिताब है किस जो कि टीम ने जीता है। तो ये बात की जा रही है, ये रहा आपको ऑप्शन, क्लिक कर सकते हैं अपने माइंड में अंदर।
जी यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा बार जो कि वर्ल्ड कप जीता है, आईसीसी का जो वर्ल्ड कप जीता है सबसे ज़्यादा बार जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अब बात की जा रही है तो यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार जो कि आईसीसी का वर्ल्ड कप जीता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार इसी ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार जीता है, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार अभी तक जो कि वर्ल्ड कप जीता है आईसीसी का, तो ये 5 बार ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी ने पुरुषों के विश्व कप जो कि पहले रिक्त स्थान अभियान शुरू किया है, जिसमें विश्व भर के क्रिकेट खेलने वाले 460 मिलियन लोगों ने क्रिकेट की शानदार विविधता का जश्न मनाया है। तो ये रहे आपको ऑप्शन, क्लिक कर सकते हैं अपने माइंड में क्या आपका राइट आंसर रहेगा। जी तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, CRIIIO यहाँ पे आपका ये राइट आंसर रहेगा। आप क्लिक कर सकते हैं जल्दी से अपने माइंड में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत कितनी बार आईसीसी वर्ल्ड कप का खिताब जीत चुका है, बात की जा रही है भारत की, तो भारत कितनी बार आईसीसी वर्ल्ड कप का खिताब जीत चुका है, ये रहे आपको ऑप्शन, क्लिक कर सकते हैं अपने माइंड में। आप सभी को आई होप किसके बारे में पता भी होगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 2 बार। जी हाँ, भारत ने अभी तक आईसीसी का जो वर्ल्ड कप है 2 बार जीता है, तो 2 बार भारत जीत चुका है जो कि खिताब को। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके पहले जो देख लेते, तो फर्स्ट जो जीता था भारत में वो 1983 में जीता था, वेस्ट इंडीज को हराया था, और सेकेंड बार जो जीता था 2011 में श्रीलंका को हरा कर जीता था। तो यहाँ पर 2 बार इन्होंने जीता गया था। ओके, तो भारत जो जीता था 2 बार जीता था, फर्स्ट बार वेस्ट इंडीज को हराया था और सेकेंड बार श्रीलंका को हराया था। फर्स्ट बार 1983 में हुआ था, सेकेंड बार 2011 में हुआ था, 2 बार जो कि यहाँ पर याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 यह वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण है, तो बात की जाए संस्करण की, तो ये कौन सा संस्करण है वर्ल्ड कप का, ये रहे आपको ऑप्शन, क्लिक कर सकते हैं अपने माइंड में। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 12वां संस्करण, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ओके, तो यहाँ पर 12वां संस्करण बिल्कुल राइट आंसर है, तो यहाँ पर आप ये याद रख लीजिए क्योंकि ये 12वां संस्करण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 30 मई से ये स्टार्ट हुआ था जो कि 14 जुलाई तक चला, तो यहाँ पर आप ये भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में कितनी टीम भाग ले रही है, तो बात की जा रही है टीम की, कितनी टीमें ने इसमें भाग लिया था आईसीसी वर्ल्ड कप में। अब यहाँ पर ये रहे आपको ऑप्शन, 25, 20, 15 और 10। इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा 10। टोटल जो टीम थी आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में 10 टीम थी, 10 टीमों ने इसमें भाग लिया था। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में कुल कितने मैच खेले गए थे, बात की जा रही मैचे की, कितने मैच टोटल खेले गए थे 2019 के आईसीसी वर्ल्ड कप में, जल्दी से क्लिक कर लीजिए अपने माइंड में। जी आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी नंबर, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का, सही जो कि राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 48। टोटल जो मैच खेले गए 48 खेले गए थे वर्ल्ड कप 2019 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉर्मेट ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2019, देखिए आईसीसी का जो 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ है, इसके फॉर्मेट की बात की जा रही है, फॉर्मेट नेम क्या था इसका, तो यहाँ पर ये रहा आपको ऑप्शन, आप क्लिक कर सकते हैं अपने माइंड में बिल्कुल। इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राउंड रोबिन नॉकआउट। ओके, यहाँ पे ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल याद रख लीजिए आप इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 किस देश में आयोजित किया गया था, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप सभी को आई होप इसके बारे में पता भी होगा, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर क्लिक कर लीजिए क्या राइट आंसर आपका रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वेल्स इंग्लैंड में ये आयोजित किया गया था आईसीसी वर्ल्ड कप 2019। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के लिए किस नाम से ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया गया, बात की जा रही है 2019 का जो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप था, इसमें कौन सा सॉन्ग जो कि ऑफिशियली रिलीज किया गया था, ये रहे आपको ऑप्शन, क्लिक कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है स्टैंड बाय। जी हाँ, स्टैंड बाय जो सॉन्ग है ये रिलीज किया गया था 2019 के वर्ल्ड कप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ मिलकर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में वन डे फॉर चिल्ड्रन नामक अभियान का आयोजन करने का निर्णय लिया है, अब ये बात की जा रही है किसके साथ ये मिलकर कहा है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो सकता है क्या होगा, आप सभी अपने माइंड में क्लिक कर लीजिए। जी इसका जो राइट आंसर है आपका वो है यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि आईसीसी ने जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है यूनिसेफ, इसके साथ में मिलकर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में वन डे फॉर चिल्ड्रन नामक अभियान जो कि स्टार्ट किया, जो कि करने का निर्णय लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की विजेता टीम कौन है? तो बात की जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड कप 2019 की विजेता टीम की, कौन सी टीम ने इसको जीता है? तो ये रहे आपको ऑप्शन, आप क्लिक कर सकते हैं अपने माइंड में। आई होप कि आपको सभी को इसका राइट आंसर पता होगा। जी आप सभी का राइट आंसर यहाँ पर रहेगा इंग्लैंड। इंग्लैंड बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट आंसर इंग्लैंड। इंग्लैंड ने सीरीज को जीता है, तो यहाँ पे जो कि विजेता है टीम है वो है इंग्लैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इससे पहले देख लेते, तो पहली बार विश्व कप का खिताब जीता है जी हाँ, ये आपको और बात बता देते हैं। इंग्लैंड ने फर्स्ट टाइम ये जो कि खिताब जीता है, और यहाँ पर जो उप विजेता जो टीम रही है वो रही है न्यूजीलैंड, और जो कि इंग्लैंड जो कि विजेता टीम रही है, उप विजेता जो कि न्यूजीलैंड रही है। और मोस्टली यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात यह है कि जो इंग्लैंड ने ये कि फर्स्ट बार जो कि इस किताब को जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किस खिलाड़ी को मिला है? प्लेयर ऑफ द खिताब की बात की जाए, किस खिलाड़ी को मिला है 2019 के वर्ल्ड कप में? ये आपको ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं जी। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा केने विलियमसन को यहाँ पे इसका खिताब मिला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो है न्यूजीलैंड के, इतना भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय डेयरी ब्रांड जो कि ब्रांड अमूल ने 30 मई से इंग्लैंड और वेल्स में खेले जाने वाले 2019 क्रिकेट विश्व कप के लिए आधिकारिक प्रयोजन स्पॉन्सर के रूप में किस जो कि क्रिकेट टीम के साथ करार किया है? देखिए ये जो किया है आप सभी को इसके बारे में पता भी होगा, नहीं पता है तो पता चल जाएगा। ओके तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं आप, क्लिक कर लीजिए जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है आपका वो सभी का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान टीम के साथ जो कि इसने जो कि अमूल जो ब्रांड है इन्हें जो कि करार किया था। तो यहाँ पर आपको यह याद रखना है जो कि अफगानिस्तान जो क्रिकेट टीम थी इसके साथ इन्होंने करार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड कप 2019 में किस भारतीय खिलाड़ी ने हैट्रिक लगाई? अब बात की जा रही है हैट्रिक की, तो किसने हैट्रिक लगाई है वर्ल्ड कप 2019 की टीम में? ओके तो ये रहे आपको ऑप्शन, भुवनेश्वर कुमार, यजुवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव। तो इसमें से क्लिक कर सकते हैं अपना राइट आंसर क्या रहेगा। आपका जो राइट आंसर है मोहम्मद शमी, बिल्कुल राइट आंसर है। मोहम्मद शमी ने जो कि वर्ल्ड कप 2019 में भारतीय खिलाड़ी है और ये इन्होंने हैट्रिक लगाई है। मोहम्मद शमी ने अफगानिस्तान के खिलाफ 50वें ओवर में हैट्रिक ली, ये आप सभी को बात याद रखना है और याद भी होगी। मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप में चेतन शर्मा के 1987 में हैट्रिक लेने के बाद में दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए। देखिए दूसरे नंबर पर हो गए, पहले नंबर कौन है? चेतन शर्मा है। 1987 में इन्होंने हैट्रिक लगाई थी, और जो कि 2019 में जो कि मोहम्मद शमी ने लगाई है। तो यहाँ पर आपको ये सभी को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले मोहम्मद शमी ओके चेतन शर्मा के पश्चात दूसरे भारतीय है। चेतन शर्मा किस क्रिकेट विश्व कप में हैट्रिक लिया था? बात की जा रही किस क्रिकेट विश्व कप में इन्होंने जो कि हैट्रिक लगा लिया था या फिर हैट्रिक लगाई थी? तो यहाँ पे आपका ये रहा आपको ऑप्शन, क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा 1987 में, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ आप सभी को इसके बारे में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दिग्गज क्रिकेटर ने विश्व कप 2019 के शुरुआती मैच के में कमेंटेटर के रूप में अपनी शुरुआती की? अब बात की जा रही है कमेंटेटर के रूप में किस दिग्गज क्रिकेटर ने जो कि इसकी शुरुआत की 2019 के विश्व कप की? ओके तो ये रहे आपको ऑप्शन, क्लिक कर सकते हैं अपने माइंड में। इसका जो राइट आंसर है आप सभी का वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। सचिन तेंदुलकर ने जो कि एक दिग्गज क्रिकेटर है भारत के, और इन्होंने विश्व कप 2019 के जो कि शुरुआती मैच की जो शुरुआत की है वो कमेंटेटर के रूप में अपनी शुरुआत की है। तो यहाँ पे आप सभी याद रखिए सचिन तेंदुलकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में लगातार दो अर्ध जो कि पाँच अर्धशतक लगाने वाले पहले कप्तान कौन बन गए हैं? बात की जा रही है पाँच अर्धशतक लगाने वाले पहले जो कि कप्तान कौन बन गए क्रिकेट वर्ल्ड कप में, लगातार बात की जा रही है यहाँ पर, आप ये याद रख लीजिए। और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, क्लिक कर लीजिए जी। यहाँ पर राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। विराट कोहली जो है पहले ऐसे जो कि कप्तान बन गए हैं जिन्होंने पाँच लगातार अर्धशतक लगाए हैं पाँच मैचों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस गेंदबाज का नाम बताइए जिसने एक विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है अपने नाम किसने किया है, ये रहे आपको ऑप्शन, क्लिक कर सकते हैं जी। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मिशेल स्टॉक आपका राइट आंसर रहेगा। इन्होंने जो कि ये जो कि एक गेंदबाज है और इन्होंने विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है अपने नाम कर लिया है, मिशेल स्टॉक। आपको क्या नाम याद रखना है, और इन्होंने कुल 27 विकेट जो कि चटकाए हैं। तो यहाँ पर आप ये विकेट भी की संख्या भी याद रखिए क्योंकि 27 विकेट इन्होंने टोटल लिए हैं।
नेक्स्ट, उस खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने एक विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। सबसे ज्यादा रन जो किसने बनाए ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ये रहा आपको ऑप्शन, आप सभी को आई होप किसके बारे में पता भी होगा। जी, इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। रोहित शर्मा ने जो सबसे ज्यादा जो रखी रन का रिकॉर्ड अपने नाम किया है इस विश्व कप में, और इन्होंने टोटल जो 648 रन इन्होंने बनाए, ये भी आपको याद रखना है कितने रन इन्होंने बनाए, 648 रन टोटल बनाए, और ये रिकॉर्ड जो कि अपने नाम कर लिया सबसे ज्यादा रनों को। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व कप के इतिहास में सबसे खराब गेंदबाज कौन बने हैं। तो देखिए बात की जा रही है सबसे खराब गेंदबाज की, तो ये कौन बने ये आप सभी को पता भी होगा, नहीं पता है तो पता चल जाएगा। तो रशीद खान, मार्टिन, जसप्रीत बुमराह, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा वो रहेगा रशीद खान। रशीद खान जो कि विश्व कप, जो कि हाल ही में जो 2019 का विश्व कप हुआ है, इसके इतिहास में सबसे खराब गेंदबाज जो कि बन गए हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा रशीद खान, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते, विच बैट्समैन स्कोर फर्स्ट सेंचुरी ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2019। अब बात की जा रही है फर्स्ट सेंचुरी या फर्स्ट शतक की बात की जा रही है आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में कौन से बैट्समैन है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है, क्लिक कर लीजिए अपने राइट जो कि, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर है, जो रूट आपका राइट आंसर रहेगा। ओके, आप इजीली इसको रिलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस खिलाड़ी को चोटिल होने के कारण वर्ल्ड कप की भारतीय टीम से बाहर किए गए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा आप सभी को इसके बारे में पता होगा। इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शिखर धवन, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, जो कि शिखर धवन को चोट लगने का कारण या फिर चोटिल होने के कारण इनको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, शिखर धवन को चोटिल होने के बाद में वर्ल्ड कप 2019 में टीम से बाहर होना पड़ा, उनके स्थान पर किस खिलाड़ी को टीम में जगह देने की वकालत सुनील गावस्कर के द्वारा की गई। तो किनको इनके स्थान पर वापस लाया गया टीम के अंदर। तो ये रहे आपको ऑप्शन, आप क्लिक कर सकते हैं। आपका जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऋषभ पंत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, शिखर धवन के स्थान पर जो कि ऋषभ पंत को लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC विश्व कप 2019 का पहला मैच 30 मई 2019 को इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया था। देखिए फर्स्ट मैच किन किन के बीच खेला गया ये पूछा गया है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है क्या हो सकता है, क्लिक कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ, फर्स्ट मैच जो खेला गया था 2019 का 30 मई को, ये इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेला गया था। नेक्स्ट, विश्व कप 2019 के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला चक्कर लगाते ही रोहित शर्मा ने एक भारतीय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक चक्कर लगाने का रिकॉर्ड जो कि किसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ते हुए अपने नाम कर लिया है। तो किसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है और अपना जो कि नाम रिकॉर्ड बना दिया है, ये रहा आपको ऑप्शन, आप क्लिक कर सकते हैं, आप सभी को इसके बारे में पता भी होगा। इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह धोनी, बिल्कुल राइट आंसर है, महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़कर इन्होंने अपने नाम ये रिकॉर्ड कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर आप सभी को इसके बारे में याद भी रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व कप इतिहास में 50 से अधिक विकेट लेने वाले मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरे श्रीलंकाई खिलाड़ी कौन बने। देखिए दूसरे की बात की जाए, दूसरे कौन बने 50 से अधिक विकेट लेने वाले विश्व कप इतिहास में। तो देखिए फर्स्ट जो है मुथैया मुरलीधरन है, और उसके बाद में सेकेंड आपके होंगे लसित मलिंगा, बिल्कुल यह ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, लसित मलिंगा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी विश्व कप में 500 रन और 10 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अब बात की जा रही है 500 रन और 10 विकेट की, तो ये रहे आपको ऑप्शन, क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा साकिब अल हसन, इन्होंने जो कि 500 रन बनाए हैं, 500 रन और 10 विकेट लेने वाले ऐसे पहले भारतीय जो कि पहले खिलाड़ी ये बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा देश वर्ल्ड कप में 50 मैच जीतने वाला पहला एशियाई देश बन गया। बात की जाए 50 मैच जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया वर्ल्ड कप में, ये रहा आपको ऑप्शन, आप सभी को इसके बारे में पता भी होगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, भारत जो है 50 मैच जीतने वाला पहला एशियाई देश बन गया वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट, विश्व कप 2019 के फाइनल में किस राष्ट्र ने क्वालिफाई किया है। बात की जा रही फाइनल में किस राष्ट्र ने क्वालिफाई किया है 2019 में, ये रहे आपको ऑप्शन, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। क्लिक कर लीजिए अब जल्दी से, आप सभी को इसके बारे में पता भी होगा। आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने सबसे पहले यहाँ पर जो कि फाइनल में इन जो दो कंट्रीज है इन्होंने जो कि क्वालिफाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर कितने साल बाद विश्व कप फाइनल में पहुंच गया है। तो यहाँ पे देखिए इंग्लैंड जो कि कितने साल बाद जो कि पहुंचा है ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में, ये आपको बताना है। ये रहा आपको ऑप्शन, आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, 27 साल बाद जो कि इंग्लैंड फाइनल में पहुंचा है ऑस्ट्रेलिया को हराकर, ये आप सभी को याद भी रखना है।
ओके तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करें। ओके यदि चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।